हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे नोट करा है, बोला गया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ अ 90 डिग्री इन अ इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले कोई रे बनानी है और उसके इनिशियल पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, एक रे को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक रे ड्रॉ कर ली। ठीक है फ्रेंड, जिसका नाम मैंने दे दिया ए एंड बी दे दिया। ठीक है, देने के बाद फ्रेंड इसके कोई एक इनिशियल पॉइंट से, या तो यहाँ से या यहाँ से, तो मैं इस पॉइंट से बनाऊंगा 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसी लाइन को। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ अपनी मर्जी से। एक्सटेंड करने के बाद मैंने एक सेमी सर्कल बनाया इस पॉइंट ए पे। कंपास लेना है हमें, थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लें, थोड़ा सा खोल लेने से अपनी मर्जी से। खोलने के बाद मैंने इस पॉइंट पे रखा और रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट पे रखा मैंने और रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड, जिस पॉइंट पे ये टच करके जाता है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी और इसे नाम दे दिया मैंने सी, सी और डी। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने क्या किया, कंपास को थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लिया। ठीक है, खोलने के बाद थोड़ा सा खोला, एक तो इसके सेमी सर्कल के इस किनारे से मैंने कट लगाया, एक ऊपर की तरफ कट लगाया और एक इधर से लगाया। ठीक है फ्रेंड, एक सी पॉइंट से और एक डी पॉइंट से, इन दोनों से मैंने कट लगाया। जो मेरा क्रॉस पॉइंट आया, इस क्रॉस पॉइंट को मैं इससे मिला दूंगा। तो जो मेरा ये लाइन मैंने मिलाई है, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, इसका नाम रखा मैंने ई, इस पॉइंट का नाम, और ये रहा ए। तो जो मेरा बनने वाला एंगल होगा ये ई ए सी, ये मेरा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कलर से दिखा देता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ठीक है, ये वाला, ये मेरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब मैंने तो 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया इसकी कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको बनाया है तो मैं इसके स्टेप लिख देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, ताकि हम इसको क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में स्टेप पूछे जाए तो स्टेप भी बताए जा सके। तो इसके स्टेप क्या होंगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लेंथ की ना बने इसलिए फ्रेंड मैंने स्टेप को लिख दिया ऐसे बना के। ठीक है, इसे अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज ही हो, अपनी लैंग्वेज में बनाना है। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ की थी, लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ करने के बाद मैंने ए बी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या थोड़ी सी लाइन ड्रॉ की थी, जिसका नाम मैंने क्या रखा ए डी। इस पॉइंट पर रख के मैंने क्या बना दिया था, एक सेमी सर्कल। वही बात फ्रेंड मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखी है कि मैंने ए बी बनाई, ए ड्रॉ अनदर रे फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट ए अपोजिट डायरेक्शन रे ए बी, यानी कि ए बी की अपोजिट डायरेक्शन मैंने इसको ड्रॉ करके और क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से इट मीट अ रे ऑन पॉइंट सी एंड डी। जो ये रे बनाई मैंने, ये इस रे पर सी और डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। फ्रॉम सी और डी से मैंने दो आर्क बनाई थी, जैसे मान लो सी डी मैंने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई, जो कि ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। ई को मैंने ए से मिला दिया और जिससे मेरे को एंगल ई ए बी मिल गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे डायग्राम को बनाया वैसे इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, अब मेरे को जस्टिफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन को मैं अगले पेज पे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, जस्टिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा पॉइंट ई है, ठीक है फ्रेंड, इस ई पॉइंट को मैंने डी और सी से मिला दिया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखें, ई को मैंने डी से मिला दिया और ई को मैंने सी से मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो फ्रेंड मेरे को दो ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल मिलेंगे जरा ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल मेरा ये होगा और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये होगा। ठीक है, इसका नाम कौन है, ई, इसका नाम डी, इसका नाम ए, इसका नाम ई, इसका नाम ए, इसका नाम सी। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो फ्रेंड इसके बाद मैंने ये दो ट्रायंगल बना लिए। अब देखा जाए तो फ्रेंड ई ए इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन देखो फ्रेंड मेरा जो सी डी है ये क्या एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में बनने वाली जितनी भी ये मेरे सेंटर होगा, सेंटर से जाने वाले कौन होते हैं, रेडियस। तो मेरा ए सी और ए डी दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी, इस वजह से क्या होंगी, इक्वल होगी। दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न फ्रेंड देखो ई है, ई मान लो अगर मेरा सेंटर होता तो सेंटर से मैं जितनी भी लाइन ड्रॉ करता मेरी क्या होती, इक्वल होती। अगर ये मेरा सेंटर है तो सी डी और सी ई ये भी दोनों क्या बनती, रेडियस बनती, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, इस वजह से दोनों क्या होती, इक्वल होती। तो ये मेरी तीसरी साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रूएंट हो जाएगा। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई में, ठीक है फ्रेंड, मैं लिखूँगा मेरी ए ई ए ई दोनों में क्या आ रही है, कॉमन। मैं लिख दूंगा कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद मेरा ए डी और ए सी ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या। और दूसरा डी ई इक्वल होगा ई सी के, ये भी क्या होगा, सेम होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्या। तो देखो फ्रेंड पहले मेरी कौन आई साइड, फिर कौन आई मेरी साइड, और फिर कौन आई मेरी साइड। इस रूल से ट्रायंगल डी ए ई कॉन्ग्रूएंट होगा ट्रायंगल ए ई सी के बाय एस 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 रूल। अब दोनों कॉन्ग्रूएंट हो गए, और कॉन्ग्रूएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल बाय सी पी सी टी। तो ये वाला मेरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल डी ए ई इक्वल होगा एंगल सी ए ई के बाय सी पी सी टी, ठीक है फ्रेंड, बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रूएंट हो गया। इसको मान लो नंबर वन मान लो। अब फ्रेंड देखा जाए तो मेरी जो डी बी है ये क्या थी, एक लाइन थी डी बी जिसमें पॉइंट ए आ रहा था, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ई, ये क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दोनों का ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, इक्वल होती है 180 डिग्री की। तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी सॉरी डी ए ई और बी ए ई, बी ए ई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, जिसको मैं बोलूँगा मैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हिंदी में बोलूँगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं लिखूंगा यूजिंग वन समीकरण एक से, ठीक है फ्रेंड। तो मेरा डी ए ई है, देखो डी ए ई किसके इक्वल है, सी ए ई के, तो मैंने डी ए ई की जगह क्या लिख लिया, सी सॉरी डी ए इक्वल है सी ए ई के, सॉरी सॉरी ये सी था, सॉरी मैंने गलती से लिख लिया, सी ए मेरा पॉइंट, इसको लिया मैंने सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा सी ए ई। तो मैंने डी ए ई की जगह क्या ले लिया, सी ए ई ले लिया प्लस सी ए ई इक्वल टू 180, सी ए ई सी ए कितना हो गया 2 सी ए ई, ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 180 डिवाइड बाय 2 ये मेरा आ गया 90 डिग्री। और यही मुझे प्रूफ करना था कि मेरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं फ्रेंड। ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अभी ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये अपनी लैंग्वेज बनाने होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है, और बाद में आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है, आप हिंदी को देख के समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ, ठीक है फ्रेंड, और नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।